अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अंबेडकर उर्दू न्यूज। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की 15 मार्च को दावत इफ्तार, एलबी स्टेडियम में इंतजाम जारी। तेलंगाना के 6 पार्लिमानी हलकों में बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान, डीके अरुणा और रघुनंदन राव भी शामिल। तेलंगाना में गाड़ियों के नंबर प्लेट्स पर अब टीएस के बजाय टीजी होगा मरकज की मंजूरी। और बमबारी के साए में गजा के सहरो इफ्तार, सहयूनी अफवाज की ताज़ा बमबारी में दर्जनों जांबा रख मुतादिद जख्मी। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर एससी एसटी बीसी और ओबीसी मोहम्मद अली शब्बीर ने एलबी स्टेडियम में 15 मार्च को चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी की जानिब से दी जाने वाली इफ्तार पार्टी के इंतजाम का जायजा लिया। नए मुकर्रर करदा चेयरपर्सन सैयद अजमतुल्ला हुसैनी वक्फ बोर्ड, खुसरो पाशा बियाबानी हज कमेटी, ताहिर बिन हमदान उर्दू अकेडमी और उबैदुल्ला कोतल अखिलियती मालियती कारपोरेशन, राज्यसभा एमपी अनिल कुमार यादव, हैदराबाद डीसीसी चेयरमैन समीर वलीउल्ला, फहीम कुरैशी, मकसूद अहमद, अली मसख व दिगर सीनियर कायदीन और ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। शाहनवाज कासिम और तफसीर इकबाल बिशमुल आला हुकाम भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रमजान के पहले जुमा को इफ्तार पार्टी देना चाहते हैं, इसीलिए एलबी स्टेडियम में 15 मार्च को होने वाले दावत इफ्तार के लिए वसीतर इंतजाम किए जा रहे हैं। हुकूमत ने डीएससी 2008 के मुंतखब उम्मीदवारों के हक में अहम फैसला लिया है। इस सिलसिले में वजीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक्शुदनी काबिना के इजलास में सन 2008 डीएससी उम्मीदवारों को कम अज़ कम पे स्केल टाइम स्केल मुलाजमतें फ्राहम करने का फैसला किया गया है। काबिना के इजलास में दिगर कई अहम फैसले भी लिए गए। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि काबिना ने मुस्तहिक गरीबों के जल्द से जल्द सफ़ेद राशन कार्ड जारी करने का फैसला किया है। रियासती उजरा पुन्नम प्रभाकर, श्रीधर बाबू और कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के साथ मीडिया को काबिना के फैसलों की तफसीला से वाकिफ करवाते हुए कहा कि काबिना ने 4.5 लाख इंद्रामा मकानात के 22,500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। हर असेंबली हलके में 3,500 मकानात तामीर किए जाएंगे। इस्तेफादा कुनिंदगान का इंतखाब ग्राम सभा में किया जाएगा। एससी एसटी और बीसी तबकात के लिए 16 कारपोरेशन के क्याम का फैसला किया गया है। हैदराबाद में बीआरएस पार्टी की खातून कारपोरेटर पर हमले के बाद जुबली हिल्स इलाके में कशीदगी पैदा हो गई। ये वाकया मंगल की रात पेश आया। तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में मंगल की शब हल्की कशीदगी देखी गई, क्योंकि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कारपोरेशन जीएचएमसी की कारपोरेटर जीत दिपिया पर कांग्रेस के चंद खवातीन ने फ्लेक्सी के मसले पर हमला किया। पुलिस के मुताबिक कारपोरेटर बाज़ अफराद की जानिब से फ्लेक्सी बोर्ड लगाने की शिकायत के बाद अपने शौहर के साथ जुबली हिल्स पहुंची। उसके साथ ही बाज़ कांग्रेस से वाबस्ता खवातीन ने मुबैना तौर पर उनसे बदकलामी की और कारपोरेटर के साथ साथ उनके शौहर पर भी हमला कर दिया। मुकामी पुलिस स्टेशन में इस खसूस में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिस पर कांग्रेस के मुकामी लीडर भवानी के साथ 3 दिगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसी तरह कांग्रेस खवातीन की शिकायत पर पुलिस ने कारपोरेटर के खिलाफ भी केस दर्ज किया। के मलकपेट पुलिस स्टेशन हदूद में फ्री हलीम की इत्तला के साथ ही अवाम का हजूम एक होटल के पास टूट पड़ा। ये वाकया मलकपेट पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ मुसाराम बाग इलाके में पेश आया, जहां हजूम जमा हो गया था, जिसकी वजह से ट्रैफिक के निज़ाम में खलल पड़ा। इत्तला मिलते ही पुलिस ने वहां पहुंचकर ताकत का इस्तेमाल करते हुए हजूम को मुंतशिर कर दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी के साथ वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि मुलाजमी ने पुलिस ने हल्की सी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हजूम को मुंतशिर कर दिया। इस दौरान चार्ज की इत्तला मिली थी, जिसकी पुलिस ने तरदीद की। खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जा रही है कि कांग्रेस के हरकियाती कायद व मशहूर शख्सियत जाबर पटेल का इंतकाल हो गया। ख़ानदानी जराए के मुताबिक उन्हें हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल हिमायत नगर ले जाया गया, जहां उनका इंतकाल हो गया। अपोलो हॉस्पिटल से मैयत रेड हिल्स में वाक़ उनके मकान मुंतकिल कर दी गई है। जाबिर पटेल का शुमार हैदराबाद और हिंदुस्तान के एक मशहूर ताजिर के तौर पर होता था और वो इंडिया अरब फ्रेंडशिप फाउंडेशन के बानी सदर भी थे। इसके अलावा जाबिर पटेल को जिद्दा क्रिकेट एसोसिएशन का बैरून मुल्क सरपरस्त नामजद किया गया था। पटेल को मुत्तफ़िका तौर पर जेसीए के अहदेदारों और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान ने ममलिकत में क्रिकेट के फरोग में एसोसिएशन की सरगर्मियों को तकवीत देने के इकदाम पर मुंतखब किया गया था। जाबिर पटेल आल इंडिया माइनॉरिटीज़ फोरम के सदर भी थे। नमाज जनाजा चहारशुम्बा 13 मार्च बाद नमाज जोहर शाही मस्जिद बागयामा नामपल्ली में अदा की गई और तकफीन जमाली कुंटा टोली चौकी के कब्रिस्तान में अमल में लाई गई।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को अवामी ताईद हासिल होने के बावजूद कांग्रेस हुकूमत ने असम्बली में मजलिस को उबूरी स्पीकर बनाकर मजलिस के सामने सजदा करना शुरू कर दिया है। अमित शाह ने तेलंगाना में मुसलमानों को दिए जाने वाले 4% तहफ़ुज़ात को ख़त्म कर देने का ऐलान किया है। शहर के LB स्टेडियम में मुनक़िशुदनी BJP के जलसे आम से मुखातिब करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने के लिए तहफ़ुज़ात फ्राहम किए हैं, जबकि मजहब की बुनियाद पर तहफुजात नहीं दिए जा सकते। अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस, BRS और मजलिस का एजेंडा एक ही है। ये तीनों जमातें हिकमत अमली के तहत काम करते हुए BJP को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं और उनका अहम मकसद BJP और वजीर आजम मोदी को शिकस्त देना है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि MIM के हाथों कांग्रेस और BRS खिलौना बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी मजलिस पार्टी के अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को उबूरी स्पीकर बनाया गया। उन्होंने कहा कि CEA पर अमल करते हुए पाकिस्तान बांग्लादेश के पनाह गजीन के साथ इंसाफ किया जाएगा। CEA की कांग्रेस और मजलिस मुखालिफत कर रही है। CEA पर अमल आवरी से मुसलमानों की शहरियत मनसूख होने की गलत तशहीर की जा रही है, जो कि गलत बात है। फ्री हलीम आफर रेस्टोरेंट पर टूट पड़ा हुजूम, भला ये कैसा अमृतकाल। पेश है इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे KN वासिफ की रिपोर्ट। न्यूज़ पोर्टल पर खबर शाया हुई जिसकी सुर्खी थी फ्री हलीम का आफर। होटल पर टूट पड़ा हुजूम जिसकी वजह से सड़क जाम हो गई, ट्रैफिक दरहम बरहम हो गई। हुजूम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। शहर हैदराबाद से आई ये खबर पढ़कर खदरे ताज्जुब के साथ हमने ये खबर अपने एक दोस्त को सुनाई। उस पर हमारे दोस्त ने बड़े इत्मीनान से कहा कि क्या आप हुकूमत के इस दावे से वाकिफ नहीं कि मुल्क के 80 करोड़ अफराद को मरकजी हुकूमत हर माह मुफ्त राशन मुहैया कराती है, तो फिर इसमें ताज्जुब क्या बात है कि लोग फ्री की हलीम पर टूट पड़े। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद उन्होंने शायर व रुकने पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी की मारूफ नज़म गुनगुनानी शुरू कर दी। भला ये कैसा अमृतकाल, आसमान के भाव छू रहे आटा चावल दाल, भला ये कैसा अमृतकाल। मरकजी हुकूमत तेलंगाना के गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर की तब्दीली की इजाज़त दे दी है। मरकज़ ने TS से TG तेलंगाना गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन प्लेट्स को मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में वजारत रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। मालूम हुआ है कि तेलंगाना के काबीना के इजलास में रजिस्ट्रेशन कोड को TG में तब्दील करने का फैसला किया गया था। तेलंगाना काबीना का इजलास इतवार को मुनक़िद हुआ था। इस सिलसिले में हुकाम ने मरकजी महकमे ट्रांसपोर्ट को मकतूब रवाना किया है। मरकज ने इस पर अपनी मंजूरी की मोहर लगा दी है। अब से गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन नंबर TG से शुरू होगा, उसके साथ अब से गाड़ियों की नंबर प्लेट्स पर TS के बजाय TG तहरीर किया जाएगा। रियासत भर में रोजाना 10,000 नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है। BJP ने लोकसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है, जिनमें तेलंगाना के 6 उम्मीदवार भी शामिल हैं। उन उम्मीदवारों में महबूबनगर से DK अरुणा, मेदक से रघुनंदन राव, नलगुंडा से सैदी रेड्डी, पेद्दापल्ली से गोमसा श्रीनिवास, आदिलाबाद से नागेश, महबूबाबाद से सीताराम नायक के नाम शामिल हैं। वरंगल और खम्मम दो पार्लिमानी नशिस्तों पर उम्मीदवारों का इंतखाब नहीं हुआ। बताया जाता है कि वरंगल से BRS पार्टी के साबिक रुकन असेंबली R रमेश को टिकट देने का मंसूबा है, लेकिन उन्होंने अब तक कोई फैसला नहीं किया। रियासत तमिलनाडु में शहरियत तरमीम कानून नाफिज नहीं किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने शहरियत तरमीम कानून की शिद्दत के साथ मुखालिफत की और कहा कि वो इस कानून को उनकी रियासत में नाफिज नहीं होने देंगे। स्टालिन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर इल्जाम आयद किया कि वो CEA को नोटिफाइड करते हुए अपने डूबते हुए जहाज को बचा रहे हैं और सियासी फायदे के लिए मजहबी जज्बात का इस्तेहसाल करते हुए शहरियत तरमीमी कानून को मजमूम तरीके से नाफिज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने मुसलमानों और श्रीलंका के तमिलों को धोखा दिया और तकसीम के बीज बोए। उन्होंने कहा कि DMK ने पार्लियामेंट में CEA से मुतालक बिल के खिलाफ वोट दिया, रियासती असेंबली में एक करारदाद भी मंजूर की, दस्तखती मुहिम, रैलियां और एहतजाज भी किया। रियासत उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने फर्जी असलहा लाइसेंस मामले में साबिक रुकन असेंबली मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई। वाराणसी के MP MLA कोर्ट ने मंगल को मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने मामले में मुजरिम करार देते हुए फैसला महफूज रख लिया था, जो कि आज सुनाया गया। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई, 50,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया है। वो इस वक्त उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में महरूस हैं।
मुकामी मीडिया के मुताबिक गजा की पट्टी पर इसराइली फोर्सेस के हमलों के बाद दर्जनों हलाकतें हुई हैं। वस्ती देरुल बलाह में मंगल की शाम एक हमले में मरने वालों की तादाद 10 हो गई, जबकि गजा शहर में दराज के मोहल्ले में एक हमले में 2 अफराद हलाक और 4 बच्चे जख्मी हुए हैं। सलाउद्दीन स्ट्रीट पर एक घर पर बमबारी में मुतअद्दिद लोग जान बहक हुए हैं, जबकि अल सहाबा स्ट्रीट पर एक मकान पर होने वाले तीसरे हमले में बहुत से लोग जख्मी और लापता हो गए। जुनूबी खान यूनिस पर भी हमले हुए हैं। गजा पट्टी पर जारी इसराइली हमलों की वजह से हलाक होने वाले फलस्तीनियों की तादाद बढ़कर 31,184 हो गई है। ये इत्तला गजा में कायम फलस्तीनी वजारत सेहत ने मंगल को दी है। वजारत ने एक बयान में कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली फौज की कार्रवाई में 72 फलस्तीनी हलाक और 129 जख्मी हुए हैं। मजमूई तौर पर 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल और हमास की जंग के आगाज से अब तक हलाकतों की कुल तादाद 31,184 से जायद और जख्मियों की तादाद 72,899 तक पहुंच गई है। तिब्बी जराए और ऐनी शाहिदीन ने बताया कि जुनूबी गजा शहर में कोयती चौराहे पर इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों के एक इज्तिमा पर इसराइली फौजियों की फायरिंग के नतीजे में 9 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इनरवा के मुताबिक गजा की सूरत हाल तबाहकुन है और लम्हा ब लम्हा बिगड़ती जा रही है। अक़वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली गजा में 25 अफराद गजाई किल्लत और पानी की कमी से मर चुके हैं, उनमें 21 बच्चे भी शामिल हैं। हरमैन एक्सप्रेस का रमजान ऑपरेशनल प्लान, नशिस्तों की तादाद में 26% इजाफा। पेश है इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे के एन वासिफ की रिपोर्ट। सऊदी अरब में हरमैन एक्सप्रेस हर साल की तरह इस साल भी रमजानुल मुबारक में मक्के मकरमा मदीने मुनवरा और जिद्दा के लिए योमिया ट्रेनें चलाने का खसूसी प्रोग्राम तैयार किया है। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक सऊदी रेलवे कंपनी SAR ने कहा कि इस साल रमजान सीजन में हरमैन ट्रेन के मक्का मदीना और जिद्दा के दरमियान 2,748 ट्रिप्स होंगी, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 9% ज्यादा हैं। हरमैन इंतजामिया का कहना है कि रमजान सीजन में ट्रेन की नशिस्तों में भी इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल 1,053 मिलियन मुसाफिरों ने इससे फायदा उठाया, जबकि इस साल 1,330 मिलियन इन नशिस्तों पर सफर कर सकेंगे, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 26% ज्यादा है। SAR का कहना है कि हरमैन ट्रेन के मक्के मुकर्रमा मदीने मुनव्वरा और जिद्दा के दरमियान 5 स्टेशन हैं जहाँ से मुसाफिरों की आमद और रफ्त होती है। उन स्टेशनों में मक्के मुकर्रमा मदीने मुनव्वरा, किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी और जिद्दा शामिल हैं। सऊदी रेलवे कंपनी SAR हर साल अपने मुसाफिरों को बेहतर खिदमत फराहम करने के लिए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करती है। उसकी कोशिश होती है कि हरमैन ट्रेन के मुसाफिरों का सफर आसानी से मुकम्मल हो। SAR ने रमजान ऑपरेशनल प्लान के हवाले से हरमैन शरीफेन में नमाज के औकात के मुताबिक अपना निजामुल औकात तरतीब दिया है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज के अख्तिताम से खबर, दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की 15 मार्च को दावत इफ्तार, LB स्टेडियम में इंतजाम जारी। तेलंगाना के 6 पार्लिमानी हलकों में BJP उम्मीदवारों का ऐलान, DK अरुणा और रघुनंदन राव भी शामिल। तेलंगाना में गाड़ियों के नंबर प्लेट्स पर अब TS के बजाय TG होगा, मरकज की मंजूरी। और बमबारी के साए में गजा के सहरो इफ्तार, सहयूनी अफवाज की ताज़ा बमबारी में दर्जनों जान बहक, मुतअद्दिद जख्मी। और सैयद अकबरुद्दीन ने पाकिस्तानी सहाफियों की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ, पाकिस्तान के जवाब का इंतजार। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं। तो दीजिएगा सभी तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।